नमस्कार मित्रों, मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि थंबनेल से ही क्लियर है कि मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त करने के कुछ तरीकों के बारे में। दरअसल मित्रों, हर कोई एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त करना चाहता है लेकिन उनके पास साधन नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे कार्य जिसकी हम वर्तमान जो भी काम को कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसको डिस्टर्ब किए बगैर एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से 6 या 7 तरीकों की बात करूँगा। यदि इसमें हम काम करने शुरू करते हैं तो कुछ तो ऐसे साधन हैं मित्रों जिसमें हम जब तक काम करेंगे तब तक पैसा प्राप्त होता है, जब काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं प्राप्त होगा। लेकिन कुछ इसके साथ ऐसे रास्ते हैं जिसके साथ हम काम करते रहेंगे तो एक समय बाद हम काम करें या न करें वहाँ से हमको पैसा प्राप्त होता रहेगा, यानी वहां से हमको पैसिव इनकम प्राप्त होता रहेगा। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं मित्रों कि इनकम 2 प्रकार का होता है। एक इनकम होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम मीन्स इसमें एक्शन जरूरी होता है, एक्शन इक्वल टू मनी, मनी यानी इनकम। एक्शन खत्म, मनी खत्म। नौकरी करने वाला, स्वरोजगारी, जो दुकान करने वाला, ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं। अब कल्पना ये करिए मित्रों, जैसे एक व्यक्ति जो है कहीं नौकरी करता है, 8 घंटे काम करता है तो उसको 50,000 रुपये की इनकम प्राप्त होती है। यदि वो 50,000 इनकम लेता है 8 घंटे में, यदि उस इनकम को 1 लाख करना चाहता है तो इसको घंटे को बढ़ा करके 16 आवर्स करना पड़ेगा। यदि वो 1.5 लाख रुपया कमाना चाहता है मित्रों तो 24 घंटे उसको काम करना पड़ेगा। लेकिन यह 24 घंटे लगातार काम नहीं कर पाएगा, कोई भी लगातार 24 घंटे काम नहीं कर पाएगा। इस प्रकार एक्टिव इनकम की जो सीमाएं होती है वो सीमित होती है। यदि कोई नौकरी काम करता है मित्रों, नौकरी या छोटा मोटा कोई धंधा करता है, तो कहा जाता है कि नौकरी इतना देती है कि आप खुशी पूर्वक रह जाइए, रेंग रेंग के चलिए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हवाई उड़ान भरना, तो नौकरी में बहुत कम संभव हो पाता है। और दूसरा मित्रों पैसिव इनकम ऐसा होता है जिसमें आप एक बार काम करिए या एक समय तक काम करिए, लेकिन पैसा जो होता है बार बार आए, बार बार आए, उसको पैसिव इनकम कहते हैं। जैसे आपने कोई मकान बना दिया तो उस वो मकान जब तक रहेगा तब तक वहां से पैसा आएगा। आपने कोई किताब लिख दिया तो जब तक वो किताब बिकेगी तब तक उसको पैसा आएगा आपको। इसी तरह से तमाम साधन है, कोई बिजनेस खड़ा कर दीजिए, कोई बैंक में कोई FD डाल दीजिए जहां से लगातार पैसा आएगा। तो इस ये जो इनकम होती है उस इनकम को हम पैसिव इनकम कहते हैं। हम काम करें या न करें लेकिन वो पैसा लगातार आता रहेगा। तो मैं जो काम बताने जा रहा हूं इसमें एक्टिव, कुछ एक्टिव इनकम के भी है, कुछ पैसिव इनकम के भी है। तो जो पहला साधन है मित्रों जिससे हम की एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त कर सकते हैं वो साधन होता है ट्यूशन का। ट्यूशन यानी हमारे पास जिस भी सब्जेक्ट की नॉलेज हो, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, साइंस या इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब विषयों की ज्ञान हमारे पास है तो हम आसानी से कुछ ना कुछ इनकम अर्जित कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मित्रों घर पे छोटे बच्चों को बुला करके ट्यूशन पढ़ाना शुरू करते हैं, और आज के समय में एक एक ट्यूशन की अच्छी अच्छी खासी फी ली जाती है। तो यदि हम अपने घर पर या कोई भी अपने घर पर ये काम शुरू करता है और 2-4 लड़कों को बुला करके पढ़ाना शुरू करता है मित्रों, तो आसानी से उसको 10,000-12,000 तक की इनकम प्राप्त हो सकती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, यह काम अपने घर से ही शुरू किया जा सकता है। एक इसी तरह का व्हाइट बोर्ड ला करके, मार्कर ले करके, घर पे चेयर्स वगैरह होता है, नहीं है तो
जो भी रफ पेपर वगैरह होता है उस पे आसानी से ट्यूशन की शुरुआत की जा सकती है। और जैसे जैसे समय निकलेगा हमारी पहचान बढ़ेगी, हमारी एक मतलब एक क्या कहें वो इमेज बनेगी, तो बहुत सारे लोग यदि हमारे अंदर गुण रहेगा तो आकर्षित होते हैं और धीरे धीरे हम एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी स्थापना कर सकते हैं। दूसरा है मित्रों रियल इस्टेट ब्रोकर। रियल इस्टेट ब्रोकर में भी बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, इसको भी हम घर से ही चाहे तो शुरू कर सकते हैं। ये ऐसा बिजनेस है मित्रों जिसमें दुकान मकान किराए पर देना, किराए पर दिलवाना, इसके अतिरिक्त बिकवाना, ये दोनों तीनों प्रकार की सर्विस भी शामिल होती है। और इसकी स्थिति ये होती है मित्रों कि इसमें दोनों पक्षों से पैसा लिया जाता है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो जो भी प्रॉपर्टी डीलिंग होती है, जो भी प्रॉपर्टी के सौदे तय होते हैं उसमें 2% तक का मुनाफा लिया जाता है, 2% एक पक्ष से, 2% दूसरे पक्ष से। तो चूंकि रियल इस्टेट का टिकट साइज बहुत बड़ा होता है, नॉर्मल तौर पर कोई भी ज़मीन आप लेने जाइए तो 10 लाख 20 लाख से ऊपर की ही रकम होती है। तो 10 लाख का भी यदि 2% देखेंगे तो अच्छा खासा रकम होता है, यदि बड़ी रकम हो गई, बड़ा मकान हो गया तो और भी परसेंटेज हो सकता है। और दोनों पक्ष लिया जाता है। और मकान किराए पर लेना देने में सीधे सीधे जो ब्रोकर लोग होते हैं, जो भी मकान किराए पर लेता है उसका आधा पैसा लेते हैं, यानी एक महीने का जो रेंट होता है उसका आधा ले लेते हैं, और जिसको रेंट देना होता है उससे भी आधा लेते हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छी खासी इनकम हो जाती है रियल एस्टेट ब्रोकर की। तीसरा है मित्रों LIC एजेंट। बीमा अभिकर्ता इसको हिंदी में कहते हैं। अपने देश में कम से कम 15-16 कंपनियां हो गई है LIC एजेंट काम करने वाली, और हैंडसम अमाउंट देती है LIC पर। जो भी प्रीमियम पे होता है पहले साल की प्रीमियम का 30-40% कमीशन प्राप्त हो जाता है। यानी हम कोई पॉलिसी बेचते हैं तो उस पॉलिसी पे उस कंपनी द्वारा 30% तक का कमीशन दिया जाता है, और आगे उसके बाद जब भी वो प्रीमियम जमा होता है तब उसका 7-8% तक का होता है। शुरुआत तो छोटे से होती है लेकिन जैसे जैसे हम काम करते हैं, जैसे जैसे हमारे पॉलिसीज की संख्या बढ़ती है तो अच्छा खासा इनकम यहाँ से जनरेट होने लगता है। चौथा होता है मित्रों म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का। हालांकि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है LIC एजेंट और इन की तरह से कमाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जैसे LIC एजेंट की बात करते हैं मित्रों तो नॉर्मल तौर पर 30-30% तक कमीशन होता है, तो इसमें कमीशन मुश्किल से 1-1.5% होता है। लेकिन यहाँ जो 1-1.5% होता है देखने में तो छोटा होता है, लेकिन एक समय बाद ये इतना बड़ा बिजनेस खड़ा होता है जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। एक नॉर्मल तौर पर मान लीजिए कि एक आदमी जो है हर महीने 10,000 की SIP करना शुरू करता है तो एक साल में 1,20,000 की SIP, 5 साल में 6 लाख की SIP। यदि 6 लाख की SIP आप डाल देते हैं मित्रों हर महीने की, 10 साल बाद कितना उसकी वैल्यू होगी, और जितना फंड इकट्ठा होगा, जितना आपका AUM बनेगा, उस AUM का लगभग आधा परसेंट आप ले लीजिए 0.5% आपको सालाना मिलता है। 0.5% कम नहीं होता मित्रों, एक एक से ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है जिनका 100-200 करोड़ तक का AUM हो जाता है। तो धीरे धीरे काम करना पड़ता है, एक समय बाद अच्छा उसमें शुरू में आपको इनकम इसमें प्राप्त नहीं होगी। इसमें मान के चलिए कि 4-5 साल आपको इनकम इसमें नहीं होगी, उसके बाद इसमें इनकम प्राप्त होगी, शुरू होगी 4-5 साल में जो इनकम होगी वो छोटी इनकम प्राप्त होगी। अगला है मित्रों पांचवा, आप देख लेते हो यूट्यूब चैनल बनाई है। यूट्यूब चैनल जैसे मेरा चैनल आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसमें भी शुरुआत
छोटे से होती है, लेकिन एक समय बाद इसमें भी अच्छी अर्निंग प्राप्त हो जाती है। इसमें लगातार वीडियो बनाना पड़ेगा, किसी आपको विषय पर अपनी विशेषज्ञता बनानी होगी, और उसके बारे में लगातार यदि वीडियो बनाते रहते हैं, जानकारी शेयर करते रहते हैं, तो धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाते हैं और उसमें इनकम प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। यदि मैं अपनी बात करूं मित्रों, तो हालांकि मैंने तो YouTube वीडियो बहुत शुरू से ही पहले बना दिया था, काफ़ी 12-13 में ही बना दिया था, लेकिन मैं कभी इस पर एक्टिव नहीं रहा। इस पर एक्टिव हुआ हूँ 2019 के मार्च, फरवरी मार्च महीने से। तो धीरे धीरे उसमें मैं वीडियो हर रोज एक एक दो दो बनाता रहता हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं शौक से वीडियो नहीं बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं पैशन से वीडियो नहीं बनाता हूँ, एक नॉर्मल साधारण तरीके से वीडियो बनाता हूँ, और धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर्स जो है लगातार बढ़ रहे हैं। मेरा चैनल भी मोनेटाइज होने वाला है। इसमें 4000 घंटे जैसे होता क्या है कि जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और 4000 घंटे किसी भी एक साल में चैनल की व्यू बढ़ जाती है, हो जाती है, तो आपके चैनल पर जो भी वीडियो बनेगा उस पर ऐड आना शुरू होता है, और उस ऐड की कमाई यूट्यूब चैनल बनाने वाले को होती है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो यदि आपके वीडियो की 1000 व्यू हो जाए तो इस पर $3 की कमाई होती है। $3 यदि रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 200 रुपए के आसपास होता है। और सोचिए कि आपने कई हजार वीडियो बना दिए और उसमें व्यू आने लगे तो क्या होता है। आपके कई ऐसे आपने चैनल सब्सक्राइब किए होंगे जिनके एक एक वीडियो को 60-70 हजार व्यू जाते हैं, मिलियन में व्यू जाते हैं, तो वो भी जाएगा, लेकिन एक समय लगेगा, आपको क्वालिटी के साथ अपने बिजनेस की तरह से इसको बिल्ड करना पड़ेगा, और कम से कम 5 साल इसको प्रोजेक्ट लेके चलेंगे तब कहीं सफलता मिलेगी। मैं 2019 में शुरू किया था, अब यहाँ से मैं 2024 तक का लक्ष्य लेके चलता हूँ कि 2024 में मेरे जो चैनल के सब्सक्राइबर्स होंगे 7-8 लाख के ऊपर होंगे। मेरा इस साल के अंत तक का जो सब्सक्राइबर्स मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, और अगले साल यानी जो 2021 का दिसंबर महीना आएगा उसमें मैंने सोचा है कि मेरे जो चैनल है उसकी सब्सक्राइबर्स लगभग 50,000 के आसपास होगी, तब हमारे चैनल में भी अर्निंग होना शुरू हो जाएगा। अभी अर्निंग शुरू होना नहीं हुआ है, उसके पीछे कई कारण है। मेरे वीडियो भी अच्छे क्वालिटी के नहीं बनते हैं, जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे प्रयास कर रहा हूँ अच्छा वीडियो बनाने का। यूट्यूब चैनल हो गया, ब्लॉगर बन गया, ब्लॉग बनाए किसी भी सब्जेक्ट पर, लोग ब्लॉग पढ़ते हैं उसका इनकम होता है। एक मशहूर ब्लॉग है मित्रों, नीरज जाट का है, मुसाफिर हूँ यारो, कभी उस ब्लॉग को देखा करिए। उस पर जो नीरज जाट है रेलवे के एम्प्लॉई है, मैं उस ब्लॉग को कई बार पढ़ चुका हूँ, और वो आदमी क्या करता है कि संडे और सैटरडे को लगातार ड्यूटी करके, जैसे सोमवार से शुक्रवार लेते हैं, संडे सैटरडे पड़ गया तो क्या करता है कि संडे सैटरडे को भी काम करता है, फिर आगे काम करता है, तो इस प्रकार क्या होता है कि दो दो सैटरडे दो संडे मिल जाते हैं, 4 दिन की छुट्टियाँ हो जाती है, और इन 4 दिन की छुट्टियों में वो कहीं ना कहीं घूमने निकल जाता है, और उसी घूमने पर अपना ब्लॉग लिखता है, किताबें भी लिखता है और वीडियो भी बनाता है, यूट्यूब चैनल भी है उसका। तो हमें कोई ना कोई इस तरह का अपने अंदर गुण विकसित करना चाहिए और उसकी ब्लॉगिंग करनी चाहिए, तो उससे भी इनकम प्राप्त होता है। 7वें नंबर पर एक बहुत ही बेहतरीन है मित्रों, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग में होता क्या है कि नॉर्मल मार्केटिंग में आप देखेंगे कि जैसे हमें ये मार्कर लेना है, जब हमें मार्कर लेना है मित्रों, तो मार्कर लेने के लिए सबसे पहले कहाँ जाते हैं, शॉपकीपर के पास। शॉपकीपर क्या इस प्रोडक्ट को बनाता है, नहीं, वो क्या करता है किसी होलसेलर से लाता है, होलसेलर वाला क्या करता है डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर वाला क्या करता है CNF एजेंट से आता है, और CNF एजेंट क्या करता है कि जो भी OEM कंपनी है,
जो बनाने वाली कंपनी है वहां से लेके आता है। तो यहाँ से मित्रों जो सामान होता है 50 रुपये का बनता है, यहाँ आते थे 100 रुपये का होता है। तो 50% पैसा होता है वो इन बिचौलियों के पास जाता है। मल्टीलेवल मार्केटिंग कहता है कि इन बिचौलियों की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे OEM से कस्टमर को संपर्क करा देता है। तो 50% जो पैसा होता है वो पैसा बचता है। हालांकि 50% अब इसका 50% क्या होगा, 30 रुपये का मार्कर आता है तो 50% 15 रुपया। लेकिन होता क्या है कि इसमें ग्रुप बनाना पड़ता है और ग्रुप बनाने के दौरान लोग जुड़ते जाते हैं, नेटवर्क में अच्छी खासी संख्या आती है। तो जब संख्या अच्छी खासी हो जाती है तो यदि सभी के घरों में हज़ार रुपये का भी प्रोडक्ट यूज होता है और आपके साथ 1000 लोग हो गए तो टर्नओवर 10 लाख से ऊपर का होता है। और 10 लाख का 50% 5 लाख बहुत होता है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी काम करना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, अपने देश में पिछले 20 सालों में चल रहा है और अभी बहुत तेजी से इसका विस्तार हो रहा है। हर दूसरा तीसरा आदमी किसी न किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग से टच में आया है। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में अच्छे लोग कम हैं, इसमें ठग मंडली बहुत अधिक है। इसमें नई नई कंपनियां रोज आती हैं, ठगों का एक समूह काम करता है, तो हमें सतर्क रहना है। इसमें तमाम तरह की कंपनियां काम करती हैं मित्रों, जिसमें आपका MOA है, RCM है, उसके बाद आप देखेंगे तो हर्बालाइफ है, ओरिफ्लेम है, टपरवेयर है, वेस्टीज है, कई तरह की कंपनियां हैं। और मेरा मानना है मित्रों, जो भी कंपनी करना चाहते हैं किसी भी कंपनी से जुड़िए, लेकिन उसको लगातार उसको करते रहिए। इसमें ढेर सारी निगेटिविटी भी मिलती है, कई लोगों को आप प्लान देखे तो प्लान देखते भी नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है कि प्लान दिखाते रहना है, लोगों से बातें करते रहना है। तो जैसे जैसे हम बात करते रहते हैं, बात करते 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 एक समय बाद हमारे नेटवर्क में अच्छे खासे लोग होते हैं। और इसमें यदि हम मित्रों 10 लोगों से बात करते हैं तो मुश्किल से 2 लोग ही हमारे ग्रुप में आते हैं। और जब ऐसे 10 लोगों को ज्वाइन कराते हैं अपने ग्रुप में तो मुश्किल से 2 लोग ऐसे होते हैं जो हमारे आपकी तरह से ड्रीमर होते हैं, जो आगे काम करने के इच्छुक होते हैं, बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत ही बेहतरीन अवसर है, आप लोगों को देखना चाहिए इस बारे में। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। मैंने 7 उपाय बताए हैं जिससे कि एक्स्ट्रा इनकम जनरेट किया जा सकता है। और ये 7 काम ऐसे हैं मित्रों जिसमें इन्वेस्टमेंट 0 है। मैंने इन्वेस्टमेंट वाला कोई भी इसमें प्लान नहीं बताया है। अब MLM में बात करें मित्रों तो भी इन्वेस्टमेंट 0 है। ब्लॉग में भी बनाने क्या है, मोबाइल फोन है ही, इंटरनेट कनेक्शन है ही, गूगल पे बना देंगे। यूट्यूब चैनल में भी कोई खर्चा नहीं है, फ्री का चैनल है। LIC एजेंट में भी बहुत आसान काम है ये सब करना। यदि आपको मेरे वीडियो से फायदा लगा हो, फायदा हो तो मित्रों इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई क्वेरी हो तो क्वेरी करिए। और यदि आपको हमारे साथ इन सब में से किसी बिजनेस में जुड़ना है तो अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी करें। मैं इसमें म्यूचुअल फंड और MLM और भी कई कामों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।